पांचवा चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन। तो हमारे आसपास जितना भी चीज़ है सबको क्या बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। तो हर एक पदार्थ में समय के साथ उसमें कुछ न कुछ बदलाव होता है और उस बदलाव को हम लोग क्या बोलेंगे, परिवर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परिवर्तन। समझ में आया? परिवर्तन का मतलब क्या हो गया? बदलाव। तो दुनिया में कोई भी सामान है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी वस्तु है, उसमें समय के साथ साथ उसमें बदलाव होगा। जैसे लोहा में देखिए, लोहा में क्या होता है, बरसात में छोड़ दीजिएगा, हवा पानी लगेगा, जंग लग जाता है, दूध से दही बन जाता है, बर्फ़ से पानी बन जाता है, पानी से बर्फ बन जाता है, पानी भाप में उड़ जाता है। तो ये सब क्या हो रहा है, बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो समय के साथ साथ वस्तु में क्या होगा, बदलाव होगा, परिवर्तन होगा। परिवर्तन क्या है, ये आपका एक संसार का नियम है, जिससे हर एक वस्तु को इससे गुजरना है। वो लिविंग हो तब या नॉन लिविंग हो, तब सजीव हो तब या निर्जीव हो तब। आप में भी देखिए बदलाव आया है कि नहीं, जैसे जैसे उम्र बढ़ा है आपके रंग रूप में, बोली भाषा में बदलाव आया है कि नहीं आया? आया है। तो संसार में कोई भी चीज़ हो, समय के साथ उसमें परिवर्तन आएगा। परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो वही इसमें हम लोगों को पढ़ना है, जो वस्तु में परिवर्तन किस तरह का होता है, कैसे होता है, उसी को हम लोग को जानना है। ठीक है, तो हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, उसको समझते जाएगा, बीच बीच में आपको हम समझाते जाएंगे। तो देखिए शुरुआत करते हैं, कह रहा है जी आपने पिछली कक्षा में पदार्थों में परिवर्तन के बारे में जाना है। पहले वाले क्लास में हम लोग जान चुके हैं कि पदार्थ में परिवर्तन कैसे होता है। आपने दूध से दही बनते, दूध खट्टे होते, रबर बैंड को खींचते इत्यादि देखा होगा। दूध से दही बनना, दूध का खट्टा हो जाना, गर्मी के दिन में क्या होता है, दूध खट्टा हो जाता है, फिर कोई रबर को खींच देता है, कोई स्प्रिंग को खींच देता है। तो ये सब आप क्या कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उसके रंग रूप में बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। क्या ये सभी एक ही प्रकार के परिवर्तन है? तो क्या ये जो बदलाव आया है, परिवर्तन आया, क्या यह एक ही प्रकार का है? आपने देखा होगा खुरपी, कुल्हाड़ी, चाकू, चिमटा आदि को हवा में कुछ दिनों तक खुला रख देने पर उनमें जंग लग जाता है ना। खुरपी हो, लोहा का जो भी वस्तु हो, कुल्हाड़ी हो, चाकू हो, चिमटा हो, या खास तौर पे आप जो साइकिल जब चलाते हैं ना, तो बरसात के दिनों में देखिएगा साइकिल का जो चेन होता है खर 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 करने लगता है, क्योंकि उसमें एगो भूरा रंग का एक पदार्थ लोहा के ऊपर चिपक जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंग ना। तो साइकिल के चेन में जंग लग जाता है, हसुआ खुरपी छोड़ दीजिएगा तो उसमें क्या होगा, जंग लग जाएगा ना। और बहुत परेशान करता है, क्या करता है, परेशान करता है, उसे क्या होता है, बहुत घाटा होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो रसोई में लोहे का गीला तावा जिस पर हम लोग रोटी पकाते हैं, कुछ समय तक खुला छोड़ देने पर उसमें भी क्या होगा, जंग लग जाएगा। मतलब लोहा का जो भी वस्तु हो उसको खुला में छोड़िएगा ना, पानी से हवा से भेंट करेगा तो उसमें क्या होगा, जंग लग जाता है। क्या लग जाता है? जंग। जंग लोहा नहीं है, जंग जो है लोहा नहीं है, लोहा अलग होता है और जंग अलग होता है। जंग उस पदार्थ से भिन्न होता है जिस पर यह लगता है। तो जंग जो लगा है कुछ देर बाद क्या होगा, उसको रगड़िएगा तो जंग का हो जाएगा, गिर जाएगा। तो लोहा अलग चीज़ है और जंग अलग चीज़ है। क्या आप कुछ ऐसे परिवर्तन बता सकते हैं जिनमें नए पदार्थ बनते हैं? तो कुछ इस तरह का और भी परिवर्तन बता सकते हैं जहाँ पे पदार्थ नया चीज़ बना है। क्या बना है? नया चीज़। जैसे दूध से दही, दूध अलग हो गया और दही अलग हो गया, दोनों के चाल भाव में बहुत अंतर है कि नहीं अंतर है? दूध अलग हो गया और दही, दोनों का टेस्ट अलग है और दोनों का बनावट क्या हो गया, अलग अलग हो गया। बात समझ रहे हैं? लोहा और जंग, लोहा में जंग लग गया तो जंग अलग हो गया और लोहा अलग हो गया। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कॉपर सल्फेट विलयन। कॉपर सल्फेट आपको लेना है, एक यौगिक है, ठीक है, एक रसायन है कॉपर सल्फेट, उसमें आपको क्या डालना है, लोहा डालना है, ठीक है। अब लोहा को जैसे ही कॉपर सल्फेट डालिएगा तो जो, ठीक है, जो लोहा है, जो काटी आप डाले हैं उस पर भूरा रंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूरा रंग, ठीक है। तो लोहा पर वो जो काटी था उस पर क्या हो जाएगा, भूरे रंग का जमाव आ जाएगा। किस रंग का? भूरे रंग का, ठीक है। अब आपको क्रियाकलाप करना है शिक्षा की सहायता से। बीकर या चौड़े मुंह की कांच की बोतल 50 मिलीलीटर पानी लीजिए, उसमें आधा चम्मच नीला थोता, नीला थोता किसको बोलते हैं याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट को, घोल लीजिए। इस विलयन में, ठीक है, 1 मिलीमीटर तनु गंध कामल मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाइए
आपको नीले रंग का विलयन मिलेगा। इस विलयन से प्रखनलिक का कांच को छोटी बोतल में थोड़ा सा नमूना लीजिए। शेष विलयन में लोहे की कील, ठीक है, आल्पनिक या उपयोग किए जाए, इसको हटाइए देते हैं। ठीक है, मेन बात को पहले पढ़िए, नीचे होगा, नीचे हम समझा देंगे। ठीक है, अच्छा पढ़िए पढ़िए, हाँ हम समझा देंगे। आल्पिन या उपयोग किए चुके ब्लेड का टुकड़ा डालकर कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। इस विलयन से लिए गए नमूने से मूल विलयन के रंग की तुलना कीजिए। क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन आया है? क्या विलयन में डाले गए कील, आल्पिन या ब्लेड के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस परिवर्तन में कौन सा नया पदार्थ बना है? क्या विलयन का रंग बदलना उसमें रखी कील पर असर का आपस में कोई संबंध है? तो देखिए, हम लोग क्या किए हैं, हम लोग नीला थोथा लिए हैं। क्या लिए हैं? नीला थोथा। और नीला थोथा एक रसायन है। नीला थोथा में आपको क्या करना है, लोहा को डाल देना है। क्या कर देना है? लोहा को डाल देना है। लोहा का आप पिन डाल दीजिए तब, या लोहा का आप काटी डाल दीजिए तब। अब क्या होगा? रिएक्शन होगा। क्या होगा? रिएक्शन। अब रिएक्शन होगा तो क्या होगा, जो अब पहले जो कलर था नीला था, पहले कलर क्या था? नीला। अब जो कलर होगा, जैसे ही लोहा को रखेगा तो उस विलयन का जो कलर है वो हरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरा। क्या हो जाएगा? हरा। और नीचे जो है तल में, नीचे जो है बर्तन के नीचे, वो भूरा पदार्थ जमा हो जाएगा। कौन पदार्थ जमा हो जाएगा? भूरा पदार्थ जमा हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पर रिएक्शन हुआ। क्या हुआ? रिएक्शन। तो कॉपर सल्फेट को नीला थोथा बोलते हैं, और लोहा का सूत्र होता है Fe। तो लोहा जब उसे मिलेगा तो वहाँ पर रिएक्शन हो जाएगा और FeSO4 बनेगा और कॉपर बनेगा। तो FeSO4 क्या होता है? हरा होता है। ठीक है, हाँ। अब आगे देखिए, क्रियाकलाप 2। चित्र में दिखाए तरीके से खाली रिफिल को साइकिल के वाल ट्यूब या रबर की नली से जुड़कर इस प्रकार सजाइए कि रिफिल का खुला सिरा शीशी या परख नली में लगे रबर के ढक्कन में से आर पार होकर शीशा या परख नली के अंदर खुले। शीशे में एक चुटकी भर खाने का सोडा और नींबू का रस डालिए। नींबू का रस इतना डालिए कि खाने का सोडा उसमें डूब जाए। शीशी के मुंह पर रिफिल वाला रबर ढक्कन कसकर लगा दीजिए। सिंपल समझिए, एक बर्तन आपको लेना है, ठीक है, जिसमें खून उन जमा नहीं होता है, टेस्ट ट्यूब उस तरह का, ठीक है। उसमें क्या करना है आपको, थोड़ा सा नींबू लेना है। क्या लेना है? नींबू और खाने वाला सोडा। नींबू और खाने वाला सोडा, तो नींबू ले लीजिए, ठीक है, और खाने वाला सोडा दोनों को मिला दीजिए। अब मिलाइएगा, एक पाइप जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए? पाइप। तो इस पाइप से वो गैस निकलेगा। इस पाइप से क्या होगा? गैस निकलेगा। उस गैस को हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल रहा है, क्यों निकल रहा है? क्योंकि वहां पे अभिक्रिया हुआ। क्या हुआ? अभिक्रिया हुआ, ठीक है। आप नींबू के रस की जगह सिरका भी ले सकते हैं। सिरका में भी क्या होता है? नींबू जैसा ही गुण होता है, उसमें भी अम्ल होता है। क्या खाने के सोडे एवं नींबू के रस की आपस में कोई क्रिया हुई है? तो देखिए, खाने का सोडा मिला है और नींबू मिला है, इसका मतलब दोनों में कुछ ना कुछ हुआ है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? अभिक्रिया। शीशी में हो रही क्रिया को ध्यान से देखिए और बताइए कि शीशे में कौन सी गैस बन रही है। तो गैस कौन बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन गैस बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। किस अवलोकन के आधार पर आप बता सकते हैं कि शीशी में कोई नया पदार्थ बन रहा है? एक साफ शीशी के ताजे बने चूने का पानी लेकर उसमें बन रही गैस को प्रभावित कीजिए। क्या चूने का पानी में कोई परिवर्तन हो रहा है? अब जो गैस निकला, अब चूने का पानी लिया, चूना का जो पानी होता है ना, उसके लिए अब गैस को क्या करो, उसे गुजारो। तो जैसे ही गैस को, याद रखना, उस गैस को चूने के पानी से गुजारेगा तो चूने का पानी हो जाएगा दूधिया कलर का। कौन कलर का? दूधिया कलर का, ठीक है। तो दूधिया कलर का क्यों होगा, वह आगे हम लोग देखेंगे। पूरा एक खाली शीशी लीजिए, इसमें जलती हुई माचिस डालकर देखिए वह कितनी देर तक बुझती है। अब इस शीशी में उपर्युक्त क्रियाकलाप द्वारा बनाई गई गैस को जमा कीजिए और फिर से जलती हुई माचिस अंदर डालिए। यह क्रिया बार बार दोहराइए। पहली बार की तुलना में दूसरी बार माचिस की तिल्ली कितनी देर में बुझी? शीशी में खाने का सोडा नींबू के रस में परिवर्तन से, ठीक है, परिवर्तन निम्न प्रकार है। तो हम लोग क्या किए, खाने का सोडा लिए। क्या लिए? और खाने का सोडा कल लिखा था बोर्ड पे, उसी को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। और नींबू का रस किस में होता है? साइट्रिक अम्ल में। क्या होता है? साइट्रिक अम्ल। और ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पदार्थ। कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और सॉल्ट बनाएगा, ठीक है।
कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी के बीच अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड और चूने के पानी में कैसा रिएक्शन होता है, तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जब चूने के पानी से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही चमक रहा है। दूधिया कलर किसके कारण हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने का पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को पहचानना है तो चूने का पानी कैसा हो जाएगा? दूधिया। तो चूने के पानी से कौन गैस गुजारेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। चूने के पानी से कौन गैस गुजारेंगे? तो चूने का पानी कैसा हो जाएगा? दूधिया हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात याद रखिएगा, चूने का पानी दूधिया रंग का हो जाएगा। कब? जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजारेंगे। कोई दूसरा गैस उससे अगर गुजरेगा तो वह दूधिया कलर का नहीं होगा। तो ये मेन बात हो गया। अभी तक सबसे मेन बात यही हो गया कि चूने के पानी को जब कार्बन डाइऑक्साइड से गुजारेंगे तो क्या होगा? चूने का पानी क्या हो जाएगा? दूधिया कलर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्यों? किसके बनने से? तो बोलिएगा कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से। किसके बनने से? कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से। फिर से बोले, जब चूने के पानी से क्या गुजारेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। तो चूने का पानी कैसा हो जाएगा? दूधिया हो जाएगा। किसके बनने के कारण? कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण। समझ में आया? अब देखिए, चूने का पानी तैयार करने की विधि ये आप पढ़ लीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की कहानी अब पढ़ना है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कुछ हम लोग ज्ञान ले लेते हैं। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत मायने रखता है। याद है, जब प्रकाश संश्लेषण होता है, पेड़ पौधा जब खाना बनाता है, हरा पेड़ पौधा खाना बनाता है, तो कौन गैस को लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन गैस को लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और हम लोग किस गैस को छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और वातावरण में कोई भी चीज़ आप जला रहे हैं, कोई भी चीज़ जला रहे हैं, तो उसमें से कौन गैस निकल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड से हमको फायदा भी है और घाटा भी है। फायदा भी है और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा जो एटमॉस्फेयर में है सही मात्रा में है तो ठीक है, उससे अगर बढ़ जाएगा तो गर्मी बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? कब? जब कार्बन डाइऑक्साइड अवकाश से ज्यादा हो जाएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा नहीं हो, ठीक है, क्या हो? एक जितना ऊपर वाले बनाए उतना रहे, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसको कम करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड लिमिट में रहे, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पेड़ पौधा लगाना पड़ेगा। कहीं कार्बन डाइऑक्साइड खींचने वाला कौन है? पेड़ पौधा। बाकी जितना चीज है सबको जलाइएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। और हम लोग भी गैस छोड़ रहे हैं। कौन गैस छोड़ रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो लेने वाला भी तो चाहिए, तो उसको खींचने वाला कौन है? पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा जितने कार्बन डाइऑक्साइड को खींचेगा तो क्या होगा? गर्मी क्या होगा? कम होगा। तो गर्मी बढ़ने का मेन कारण भी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बढ़ना। याद रहेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कुछ रोचक कहानी हम लोग जानते हैं जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण बताए थे आपको? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कोई हरा पेड़ पौधा जो होता है क्या बनाता है? खाना बनाता है। ठीक है, और श्वसन के दौरान, श्वसन मतलब क्या होता है? सांस। सांस लेने के दौरान भी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। क्या करते हैं? छोड़ते हैं। इतनी महत्वपूर्ण गैस का पता कैसे चला? भाई गैस को खोजा कौन? तो क्या पहले इसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मान लिया गया था, अथवा कुछ क्रमबद्ध अध्ययन एवं प्रयोगों के निष्कर्ष के आधार पर यह बात सत्यापित हुई कि उक्त गैस कार्बन डाइऑक्साइड है? तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड की खोज दिशा में पहला महत्वपूर्ण जो था जॉन हेलमॉन्ट। कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले कौन खोजा था? जॉन हेलमॉन्ट 1630 में। हेलमॉन्ट ने एक पात्र मतलब क्या होता है? बर्तन में चारकोल को जलाया तो उन्होंने पाया कि जलने के बाद बची राख का द्रव्यमान चारकोल के वास्तविक द्रव्यमान से काफ़ी कम था। अब देखिए कैसे पता चला? ये क्या किए? कोयला जैसा एक पदार्थ होता है चारकोल, कभी बताएंगे, उसको जलाए। क्या किए? जलाए। तो मान ली था आधा किलो, कितना था? आधा किलो। अब जलाए तो जो नीचे बचा वो बच गया 100 ग्राम या 50 ग्राम, मान लो कितना बच गया? 50 ग्राम। तो ये बोले जा, जलाए आधा किलो, अब बच गया 50 ग्राम। और चीज़ का भाई, कोई भी चीज़ को जलाता कागज जो है जलाएगा, ठीक है, तो कागज कितना रहेगा? इतना ज़्यादा रहेगा। जला के कितना हो जाएगा? इतना राख हो गया। तो बाकी जो चीज़वा था वो हो का गया, गायब हो गया। कैसे गायब हो गया? कोई भी चीज़ को जलाएगा तो उसका वजन ज़्यादा रहेगा कि कम? ज़्यादा रहेगा। और जलाने के बाद जो राख बचेगा उसका वजन कम होगा कि ज़्यादा होगा? कम होगा।
तो बाकी चीजवा का हो गया? इसका मतलब हवा में कुछ ना कुछ उड़ा है, तो जो चीजवा जला रहा है या धुआं जो निकल रहा है, धुआं वही क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कागज जला रहे हैं, उजर उजर धुआं निकल रहा है, घूर उर जला रहे हैं, उजर धूल निकल रहा है, ठीक है, या कंपनी वंपनी सब जो इंडस्ट्रीज है उद्योग आई सब चलता है तो धुआं निकलता है, वो कौन गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब जितना गैस वह निकला था उसमें भी कुछ ना कुछ वजन होगा, उसका वजन और राखवा का वजन अगर हम जोड़ देंगे तो जो हमारा चिजवा को जलाए थे उसके वजन के क्या होगा? बराबर हो जाएगा। समझे? मान लो 1 किलो कागज जलाया और राख बचा तुम्हारा 100 ग्राम, तो 1 किलो जलाया है तो 900 ग्राम तुम्हारा क्या निकला है? धुआं निकला है। 900 ग्राम क्या निकला है? धुआं। उस धुआं को अगर पकड़ लेते, ठीक है, राखवा को मिला के जोखते, हमारा 1 किलो का 1 किलो मिल जाए। समझा? एक बात करें, बर्तन में अगर जमा कर लेता है तो, समझे? तो इसके आधार पर इन्होंने निष्कर्ष निकाला, ये जो चारकोल है उसके द्रव्यमान में, उसके वजन में जो कमी आया है, ठीक है, उसमें से कुछ ना कुछ गैस निकला है, और उस गैस का इन्होंने नाम दिया, ठीक है, क्या नाम दिया? गैस नाम दिया। क्या नाम दिया? गैस। बोला जी गैस से गैस निकला है, ठीक है। उन्होंने सूक्ष्म जीव द्वारा फर्मेंटेशन और कुछ अन्य प्रकृत प्रक्रियाओं में भी इस गैस के बनने की पहचान की। फिर इन्होंने बोला जे जलाने पर क्या करने पर, वस्तु को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, हम सांस छोड़ेंगे तब क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। लेकिन किण्वन एगो प्रक्रिया होता है, बताएंगे कभी, किण्वन के द्वारा भी, किण्वन प्रक्रिया के द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, बात समझे? उसके बाद आए 1756 में जोसेफ ब्लैक, कौन है? जोसेफ ब्लैक ने कार्बन डाइऑक्साइड के गुणों को ज़्यादा विस्तृत रूप से अध्ययन किया ना। पहले का आदमी आया, थोड़ा बता दिया, अब अगला आदमी आया कौन? जोसेफ ब्लैक, कौन है? ये कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में और सब बात कहे। उन्होंने पाया कि चूने के पत्थर को गर्म करने अथवा अम्लों से क्रिया कराने पर एक गैस मुक्त होती है, जिसे ब्लैक ने फिक्स्ड एयर क्या, ब्लैक ने क्या बोला? फिक्स्ड एयर, फिक्स्ड एयर मतलब स्थिर एयर। उन्होंने पाया कि फिक्स्ड एयर वायु की अपेक्षा अधिक भारी होती है, वायु से फिक्स्ड एयर जो है कार्बन डाइऑक्साइड हल्का होता है कि भारी? भारी होता है क्या? तथा ज्वलन तथा जीवन में मदद नहीं करती है, जलाने में मदद करेगा नहीं, ठीक है। जलाने में कौन गैस मदद करता है? ऑक्सीजन। कौन गैस मदद करता है? ऑक्सीजन। अब बुझाने में कौन काम करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखना। आग को जलाने में कौन मदद करेगा? ऑक्सीजन। और आग को बुझाने में कौन काम करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन ऑक्साइड? इसका मतलब जो पेट्रोल पंप के पास या गाड़ी वोड़ी में जो आग बुझावे वाला अग्निशामक जो रहता है उसमें कौन गैस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन गैस होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसीलिए तुम किसी चीज को बुझाना रहता है, मोमबत्ती को बुझाता है तो हेलाका करते रह जाता है, बुझता है जल्दी? नहीं बुझता है। लेकिन जैसे बोलो सांस छोड़ता है तो बुझ जाता है, का है? क्या मुंह से कौन गैस निकला? कार्बन डाइऑक्साइड। अब बुझाने के लिए कौन गैस चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। तो मोमबत्ती बुझ जाए, इसीलिए मोमबत्ती चिराग उड़ा को बुझाना पड़ता है तो मुंह से सांस छोड़ेगा, हाँ छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें पड़ेगा और उसको क्या करेगा? बुझा देगा। क्या करेगा? बुझा देगा। अच्छा, आग को जलाना पड़ता है, धिदोर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? धिदोर, खूब आग हो को, धिदोर हो को, तो खूब हेलक हौकता है, तो जब हौकेगा तो अगर ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा तो बोल ना, यस सर, खूब हौक रहा है। राजनंदन में पंखा पकड़ ले, खूब हौके में, एकदम आग लगा दे पूरा एथी में, पूरा हौके जा रहा है, हौके जा रहा है। अब जितना हौकेगा उतना ही उसमें क्या जाएगा? ऑक्सीजन जाएगा। अब बोलेगा आओ ऑक्सीजन, आओ खूब, फिर जो ऑक्सीजन लेगा खूब क्या होगा? धिदोर हो जाए। क्या हो जाए? धिदोर हो जाए। धिदोर हो जाता है घुरूर, तो घुरूर में देखता है फूकना पड़ता है कि नहीं फूकना पड़ता है। अब देखो, अब इधर इधर सुनिए आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ए, अब राजकुमार बोला अच्छा धिदोर करेगा, तो धिदोर करने के लिए आकाश को और राजरंजनवा को हम बोल दिए जे कौन ज्यादा धिदोर कर रहा है, तो राजरंजनवा बोलता हम तो फूक के धिदोर कर दें। तो राजरंजनवा गया, खूब फूक रहा है, खूब फूक रहा है, हल्का तो धिदोर हो रहा है, फिर बुझ जा रहा है, थोड़ा धिदोर हो रहा है, बुझ जा रहा है। आ ई गया, आकाश गया, बोला ना हमारा के सर एगो खाली एगो पाना वाना को दे दा, कूट उट दे दा,
छोटा सा पंखा हम रख देता हूँ मुँह से ना फूके, बस क्या किया पंखिया लेके हल्का हल्का पंखिया ऊपर क्या कर रहा है डुला रहा है, क्या कर रहा है पंखिया डुला रहा है। तो किस किस केस में, मतलब आकाश के केस में कि राजरंजन के केस में धिदोर जाते हुए आकाश में क्यों होगा उसका मतलब समझिए, आकाश क्या कर रहा है उसको डुला रहा है तो ऑक्सीजन दे रहा है, क्या दे रहा है आहु बुर्बकवा जो है मुंह से फूका था समझा था खूब धिदोर है, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा बुझाएगा ना उसको तो धिदोर अवेला फूका फूका तो थोड़ा सा ऑक्सीजन गल बाहर भी तो हम फूकेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन है ना तो थोड़ा सा ना ऑक्सीजन गल अब हम क्या छोड़ देनी कार्बन डाइऑक्साइड तो थोड़ा सा जला ही नहीं बाकी क्या करें बुझा देनी आई क्या किया पंखे तो डुला होता तो मैं खा निकला था खाली का निकला था ऑक्सीजन ठीक है। तो कोई आग को जलाना है तो पंखी के द्वारा अगर डुला रहे उसमें ज़्यादा आग लगेगा कि मुँह से फूकेगा उसके द्वारा पंखी के द्वारा, तो मुँह से फूकना हम लोग का क्या है बेवकूफ़ी है कि नहीं बेवकूफ़ी है समझे। इसलिए घर और में अगर आग जला रहे हैं ठीक है घुर उर फूक रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना डुलाना है, क्या करना है थोड़ा सा डुलाइएगा वो आग लग जाएगा तेजी से पकड़ लेगा। अब फूकते रहिए आँख में कान में मुँह में पूरा लेर छुए लगी माँ आंसू निकले लगी बोलब जा थक गए नहीं तब वो बोलो ए जना जनवा रे तुए फूक हम थक गए नहीं साइड में चल जेबे ना होता है आए राजरंजन हुआ तो पढ़ा दे ना अब घरे जा माई के देखी माई हमार पूरा आग जलाओ जलाओ थक गए पूरा मुँह होकर करिया करिया हो गए धुआं से बोले ए रुक माई पढ़ के नुआल बनी हम विज्ञान बुढ़वा कैसे नहीं काम करता रे तू अरे मुँह से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता रहे तो माई कही भाई तेरा कार्बन डाइऑक्साइड यही लगा तो हम जरावे नहीं तो तू बोलो रुक ना तू देखना हम के लगे जला देता दो मिनट में दाऊ डंडी निकाली है ना से पंखा उंगा के चाहे कुट उट निकाली आए दू बार डुला दी देख जर गए तब समझ हम विज्ञान पढ़ेल बानी पढ़ गया बानी सर पढ़ेल तो माई बोलो ए छोड़ विज्ञान हम ये लगे जला ना ये लगे नहीं जलाओगे। अब राजरंजनों का बोली देख माई मुँह से फूकले अनु तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलल आ वो आग के बुझावेला आ हम डंडिया से डोलैनी तो में खाली ऑक्सीजन निकलल ऑक्सीजन जलावेला तो माई आज के बाद ध्यान रखिए मुँह से नहीं के फूके के उसे कूट उट से या पंखी से डोला दिए हल्का आराम से जल जाए। तब एक माई बोली राजन लैका हमार पढ़ता सर जी आल बार हम पढ़ाओ तारा ना तब तो एक माई के लगे हाँ पढ़ाई के बहुत महत्व बा विज्ञान हरेक जगह बा खाना बगाव बनावे में भी का बा विज्ञान बा आँ हमर तो पूरा आँख करिया करिया हो गया धूल से धुआँ से आ लैका हमार विज्ञान पढ़ के आए थोड़ा सा दिमाग लगेलक हो गए समझे तो खाना पक जाएगा। तो हम लोग अभी तक कितना बात सीखे तीन बात को ध्यान रखना है एक एक ध्यान रखना है आपको जो चूने का पानी है वो दूधिया हो जाएगा क्या हो जाएगा कब बोलो जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजारेंगे दूधिया नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं। और दूधिया क्यों हुआ क्योंकि वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है क्या बन रहा है पहला बात। दूसरा जो है आग को जलाने में कौन सहायता करेगा ऑक्सीजन और आग को बुझाने में कौन काम करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा पौधा जो है खाना बनाने में कौन गैस लेगा सांस छोड़ने में हम लोग कौन गैस देंगे कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा आग को बुझाने में जो डबुआ रहता है अग्निशामक अग्निशामक उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं अग्निशामक फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं इंग्लिश में तो उसमें कौन गैस होई कार्बन डाइऑक्साइड कौन गैस कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिमिट में है ऊपर वाले जितना बनाए उतना रहेगा तो ठीक है कि खराब ठीक है उससे ज्यादा हो जाए तो गर्मी बढ़ जाए और गर्मी बढ़ जाए तो कितना गर्मी से दिक्कत बा ठीक है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेगा हम लोग लेंगे कि पौधा लेगा एक मतलब क्या हुआ पेड़ पौधा में लगाना चाहिए कि हटाना चाहिए लगाना चाहिए समझे। चलिए तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बहुत सारा चीज हम लोग क्या किए सीख लिए अब आगे बढ़े क्रियाकलाप थोड़ा ज्यादा है ठीक है। चलिए अब एक सुलगती अगरबत्ती को गैस से भरी शीशे में डालिए ठीक है। क्या अगरबत्ती के जलने में शीशी की गैस खर्च होती है क्यों यह गैस पहले से थी या नया पदार्थ बना
तो किसी भी चीज को जलाने पर कौन सा गैस निकलेगा, समझ में आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? कोई भी चीज, हाँ कोई भी चीज जलाएगा तो कौन गैस निकलेगा? अच्छा एक वो चीज और बहुत इंटरेस्टिंग, इसको भी घर में आप उपयोग कीजिएगा, देखिए खूब ध्यान से समझिएगा, बहुत मेन बात बोलने जा रहे हैं। एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जोन में अच्छा नहीं है, अच्छा उतना खराब नहीं किया, कहीं पेड़ पौधा लाते काम के बाद, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम लोग को उतना खराबी, लेकिन वो करेगो बा भाई खचरा जेकर नाम बा कार्बन मोनोऑक्साइड, का नाम बा कार्बन मोनोऑक्साइड, ई खचरा ई बहुत खतरनाक बा, ई जेकरा अंदर जाई ओकरा के मुआये के छोड़ी, तो कार्बन डाइऑक्साइड का बा ठीक ठाक बा, उतना बदमाश नहीं है, कहीं पौधा के तो काम आ जाता नु, आ कार्बन मोनोऑक्साइड जोन बा बहुत खचरा बा, जेकरा अंदर जाई ओकरा के सुता दी, मतलब मुआ दी, का करी? तो दोनों भाई बहन, दोनों भाई रहला एक साथ, दोनों भाई रहला एक साथ, लेकिन एक गोरा रही तो दूसरी का गोरा ना रही, दोनों गोरा एक साथ रही मतलब एक गोरा आए तो ऊ नहीं के, ऊ आए तो ई नहीं के, बुझला? अब खूब ध्यान से सुनना, तुम्हारे घर से रिलेटेड बात बोल रहे, गाँव से रिलेटेड, खूब ध्यान से सुन। अब होता क्या है, किसी भी वस्तु को तू जला रहा है तो कौन गैस निकल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? अब तू धुआं के पास आया तो बहुत सारा धुआं आ गया तो उतना ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन सह लेता है कि नहीं सह लेता है? सह लेता है, या हट गया, मरता तो नहीं ना है, लेकिन ई अगर गैस निकल गए आ ओजन थोड़ा देर रह गया आधा घंटा तो तोरा सुता दी, फिर उठे ना दे, मुआ दी तोरा के, तब कब निकली? देखो अब तू कोनो चीज के खुला में जला रहा है, कहाँ जला रहा है? खुला में, खुला मतलब ऑक्सीजन में जला रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, धर रही ऑक्सीजन जल, तो ऑक्सीजन अगर दे के जला रहा है, खुला में जला रहा है, तो खूब अस्थिर से रही, बोले बा मार सा बेजन मार खचरा ही नहीं करेंगे, क्या ऑक्सीजन उसका इलाज कर रहा है, ऑक्सीजन बोलेगा ये, लेकिन बात समझ रहा है? तो जब हम किसी भी चीज को खुला में जलाएंगे, किस में जलाएंगे? तो कौन गैस निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, कहीं ऑक्सीजन बोली भाई हम बानी, हम घबराएंगे नहीं के, जौहर वहर बनावे के नहीं के, यही हम बानी हम, हाँ ऑक्सीजन नहीं था। अब तू का कहला हो, अकोरा में बनाई लो, अकोरा मतलब ढक दिया, क्या किया? ढक दिया, या घर में जाके कोना में जहाँ पे कोनो हवा बेहार, उसको ज्यादा नहीं मिला ऑक्सीजन उसको, तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। अगर किसी चीज को जला रहा है तो उसमें निकलता है गैस जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, कौन गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कब निकलेगा? जब कम ऑक्सीजन में जलाएगा तो छुपा के नुका के कोना कोनी में जलाएगा किसी पदार्थ को तो कौन गैस निकलेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। खुला में जलाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, खुला में जला रहा है तो कौन उसके आसपास है? ऑक्सीजन। अब बंद करके छुपा के नुका के छोटा जगह में अगर उसको जलाएगा तो हमें कौन गैस निकलेगा? कौन गैस निकलेगा उसमें? कार्बन मोनोऑक्साइड, कौन गैस? तो खुला में जलाएगा मतलब ऑक्सीजन के हाजिरी में जलाएगा तो कौन गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। और ऑक्सीजन के बिना हाजिरी में जलाएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ में आया? यस सर। अब जो आग जो हम लोग जलाते हैं दीवार पर, वो आग में कौन धुआं निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो धुआं वो बर्दाश्त कर लेता है ना, जाए बोला तब है ना धुआएगा है ना भागेगा, होने धुआएगा है ना भागेगा, उतना परेशानी नहीं ना होता है, मरता उरता नहीं नुआ है, और बोलना। अब वो क्या किया उस आग को, जब बहुत लोग क्या करता है शहर वहर में या गांव में शौकीन लोगों के बाह द्वार के आगे अब खत्म हो गए, सब लोग चल गए, अब एक बर्बाद ना होके दे एक हम उठा के आ कढ़ाई में धो के घर में ले जाए, घर में तापे, घर में तापता है, अब घर का हो गया बंद हो गया कि खुला है? ठंडा में घर का रहा था बंद किया, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलेगा, अब ओकर भाई आ जाएगा कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड, कौन गैस? अब वो जब परेशानी शुरू, ओ उसे जो रईस रहता बोलता अच्छा घरों के लोग ताप ले लग, अब रात भर हम एक नीचे धर देता नहीं बेड के नीचे, आ रूम बंद करके आराम से हमारे बेड नीचे से गर्म रही, अब भर पेट खूब अच्छा से सूते। अब का किया थोड़ा सा खुला था भाई बरामदा वरामदा में तापा तो थोड़ा खुला था नू, थोड़े से नु परेशानी था, थोड़े से नु कार्बन मोनोऑक्साइड बना था, आ घर में ले गए आ बेड के नीचे धर दिला खूब आराम से, रात भर गर्म रही, पढ़ा होगा पेपर में जो बात बोलने जा रहे हैं। अब रूम पैक कर दिया, ठंडा उंडा में सब रूम तो पैक रहता है, और नीचे आग धर, अब वजन तो ऑक्सीजन मिली ना, रूम हो गए पैक,
तो ओमे अब कौन गैस निकली? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, अगर तू जागा है तो कोई भी चीज को महक सकता है, लेकिन अगर सोए रहेगा तो कोई चीज को महक नहीं सकता है। समझ रहा है? अगर जागा है तो महकेगा, और सूत गए तो कुछ ना महके। कोनो गैस राजन ओजन जाके छोड़ दी तोर कोनो फर्क नहीं। बात समझ ला? आज हम दूरे से कोनो लड़का अगर गंदा बा तो महके, लेकिन रात में याद रखना, रात में अगर सोता है आदमी तो ये जो क्षमता है गंध करने का, जो क्षमता है स्मेलिंग पावर जो है खत्म हो जाता है, आप गंध नहीं कर पाएगा। ये लखन धुआं लगाता है, सूत जाएगा ना उस आदमी को ज्यादा धुआं नहीं लगेगा। अब सो गया, कौन गैस निकल रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब सांस के द्वारा क्या हो रहा है? जा रहा है। अब खून जो है ना, खून हम लोग का जो ब्लड है, ठीक है, बहुत खतरनाक चीज़ है। ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सीजन को खींच लेगा, और ऑक्सीजन के जगह पर अगर उसको मिल गया कार्बन मोनोऑक्साइड, कौन मिल गया? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑक्सीजन को बोले भाई जो है हम एकरा खींचें, वो खींच ली कार्बन मोनोऑक्साइड के, केकरा के? तो ब्लड के जो खून होता है उसका लगाव किससे है? ऑक्सीजन से ज़्यादा लगाव केकरा से है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड के खींची, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? जहरीला होता है, और अंदर जाके वो बना देगा जहर, और पूरा जो ब्लड वेसल है जितना नली वली बस सबको ब्लॉक कर देगा, और रात रात आदमी क्या होता है? मर जाता है। इसीलिए देखिएगा पेपर ऊपर में लिखता है जो छः आदमी आग जला के सोए तो सोए रहेगा। बात समझ में आया? इसीलिए आग तापना है तो खुला में कि घर में? खुला में। का है? जहाँ ऑक्सीजन हो। बंद कमरे में आपको तापना नहीं, और बंद अगर गलती से कहीं ताप भी लेते हैं तो बेड के नीचे रख के एक रूम में आग को रख के कभी भी उसमें सोइएगा नहीं, ना तो सुतले रह जाइएगा। समझ में आया? तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो भाई हो सौतेला भाइयों का कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। वो खतरनाक बाकी अच्छा खतरनाक, समझे? और गाड़ी ओड़ी से भी जो धुआं में निकलता उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है, जो कंपनी इंडस्ट्रीज होता है उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है जो जहरीला है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ठीक ठाक है, उतना नुकसान आपको पहुंचाएगा नहीं, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही खतरनाक होता है। इसीलिए अब आग जो जलेगा उसको कैसे तापिएगा? खुला में कि बंद में? खुला में। तो कौन गैस हम लोग छोड़ते हैं? कौन गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। प्लांट खाना बनाते समय कौन गैस लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कौन गैस छोड़ता है? ऑक्सीजन। और प्लांट अगर सांस लेता है तो याद रखना, हम हो या कोई भी पेड़ पौधा हो, सांस लेगा तो ऑक्सीजन लेगा, सांस लेगा तो ऑक्सीजन, और छोड़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन पेड़ पौधा सांस लेगा तो कौन गैस लेगा? ऑक्सीजन। सांस छोड़ेगा तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन खाना बनाएगा, खाना का खाना बनाएगा तब लेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और कौन गैस छोड़ेगा? ऑक्सीजन। उल्टा करेगा खाना बनाते समय, बाकी समय में हम ही लोग जैसा रहेगा, ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, लेकिन खाना बनाएगा तो कौन गैस लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। दुगो बात याद हुआ? यस सर। तो बोल है या ना? यस सर। आग को जलाने में कौन काम आएगा? ऑक्सीजन। आग को बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जो चूने का पानी है वो दूधिया हो जाएगा कब? जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड दूधिया हो गया। दूधिया किसके कारण हुआ? कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण। किसके बनने के कारण? समझ में आया? मजा आया? राज रंजन का काम आसान हुआ? अब घर पे जाएगा, आग खुले में जलाएगा कि बंद कमरा में जलाएगा? अगर बंद कमरा में गलती से जलाएगा ऊपर चला जाएगा, इसकी मम्मी को परेशानी हो जाएगा, हम लोग में एक स्टूडेंट कम हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए अब आग को जलाना है तो कहाँ पर? मुंह से फूकना है कि डंडी वंडी से फूकना है? हाँ, कोनो पंखा उंखा के ले लिया या कूट उट हो पुराना धुराना उसे कर लिया, लेकिन मुंह से मत फूक लिया ना। दो बार फूकबा आँख हो जाए लाल, धुआं लग जाए दिक्कत हो जाए। समझ में आया?